हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज नवरात्रि की तीसरी नवरात्रि है, तो मैं सुबह ही उठ गई। सुबह का बज रहा है अभी 4:30 और मैं उठ गई। मैं तो 3:30 में ही उठी थी, मुझे कुछ काम था जो फिनिश करना था, तो मैं काम को फिनिश कर ली और उठ गई। देखिए अब मेरे साथ मेरा बाबू भी उठ गया। देखिए आप लोग, मैं अपने बाबू से मिलाती हूँ। हेलो बिट्टू। आज बाबू फाइनली 10th मंथ इस हो गया, 10th मंथ का हो गया इसका। 10th मंथ आज कंप्लीट हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये आज तीसरी नवरात्रि है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से तीसरी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस फ्रेश होने जा रही, क्योंकि जो पंडित जी आने वाले बहुत ही सुबह 5 बजे लगे वो पूजा कराने चले आएंगे। तो हे गाइस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ नहा उहा। गाइस देखते हैं, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और पंडित जी अभी तक नहीं आए और 5:30 बज गई है। और मेरे साथ बाबू भी नहा लिया, नहा के फ्रेश वगैरह हो गया। सभी लोग, मतलब जो जो घर में पूजा करते हैं वो सभी लोग नहा लिए। और मंदिर वगैरह सब लोग धुला गया है, मंदिर भी धुला गया है और माता रानी को भी साफ सुथरा किया गया है। देखिए बाबू रेडी हो गया नहा के। हेलो बिट्टू। और आज बाबू का 10th मंथ कंप्लीट हो गया, तो बाबू को कमेंट में जरूर हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। आप लोग बोलो बेटो, हेलो बोलो, हेलो। चलिए मैं आप लोग को अपने मंदिर में ले चलती हूँ। यहाँ देख सकते हैं पतिदेव भी नहा के रेडी हो गए हैं, पंडित जी का वेट कर रहे हैं। माता रानी को भी पूरा फ्रेश किया गया है पूरा अच्छी तरह से। तो 5:30 हो गई अभी तक, तो पंडित जी ने आए हैं और बाबू का भी कुछ थोड़ा सा फ़ोटो शूट करना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बाबू भी मिलेंगे और जब फिर मिलते हैं आप लोगों को पूजा के टाइम। हे गाइस, देख सकते हैं मैं भी कथा सुन रही हूँ बैठ के। पूजा पाठ हो गई और कथा कहने की बारी है, जो सभी लोग सुन रहे हैं। मेरे पति देव को गौर कीजिए कैसे उनको नींद आ रहा है, क्योंकि वो सुबह में ही उठे। सभी लोग सुबह में ही उठे थे लेकिन उनको ज़्यादा नींद आ रहा है क्योंकि वो थक जाते हैं ना। और पंडित जी को भी नींद आ रही है, लगभग बहुत नींद सभी को। उसके बाद पूरी कथा सुना जा रहा है। और आज नवरात्रा का तीसरी नवरात्रा है ना, तो कथा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 5 पाठ से 13 पाठ तक पढ़ा जाएगा, इसलिए कथा लंबा होते जा रहा है। और पंडित जी आराम आराम से पूजा करा रहे, पूरे विधि विधान से पंडित जी पूजा को कराते रहे हम। हे गाइस, देखिए बाबू भी सोकर उठ गया और पूजा रूम में ही आकर इतना बदमाशी शुरू करना है। तो उसकी दादी उसको मन बहलाने के लिए गेंदा का फूल उसको देकर खिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो क्यों मानेगा। वो बार बार जो लाइट जो माता रानी का मंदिर का बर रहा ना, वो उसको छूने के लिए वो बार बार चला जाता था, तो परेशानी करता था। और मुझे भी कथा सुनना था जिसके कारण मैं बाबू को नहीं रखती, तो सोया रहता था। बाबू बहुत अच्छा था लेकिन अभी फ़िलहाल उठ गया है और परेशान कर रहा, देखिए कैसे। हे गाइस, देख सकते हैं कथा इतना लंबा हुआ कि पंडित जी का भी कमर दर्द देने लगा और पैर की वो खड़े होकर कथा कहने लगा और उनको नींद काफ़ी आने लगा, जिनके कारण वो खड़े होकर कथा कहने लगे। और सभी मेरे पति देव को भी नींद आया, तो मैं बार बार उनको टोक कर नींद को तोड़ा रही थी क्योंकि कथा बहुत लंबा हो गया था। क्योंकि बताई थी ना मैं कि कथा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है ना, तो मैं भी आराम से बैठ के कथा सुन रही थी। पंडित जी कथा खड़े होके कह रहे थे। आप लोग भी ये वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे पूजा माता रानी का पूजा किया जाता है, कैसे मतलब उनके लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है। देखिए जी को निसी दिन द्रावती हरि ब्रह्मवासी
पूजा खत्म हो चुकी है और नवरात्रा का तीसरे दिन था ना, तो बहुत टाइम लग गया पूजा करने में, क्योंकि इसमें बहुत पाठ था ना, बहुत पाठ पढ़ाए गए थे। देखिए आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा, और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।